हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सनो ब्लॉग्स। आज की रेसिपी कुछ इंटरेस्टिंग है, स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज मैंने एक न्यू रेसिपी चूज़ कर रही है, वो है हमारी मटर सोया चाप रेसिपी। इसके लिए हमने कुछ 500 ग्राम सोया चाप लिए हैं, 2 कप मीडियम साइज के 2 ऑनियंस को हमने पेस्ट बनाया है, 2 टोमेटो है बड़े, उसको उसकी हमने प्यूरी बनाई है, 100 ग्राम्स मटर यूज़ कर रहे हैं अपनी रेसिपी में, गार्लिक है जिसे हमने बारीक चॉप किया है, जिंजर है जिसे हमने बारीक चॉप किया है, कस्तूरी मेथी, रेड चिल्ली पाउडर, 1 स्पून मलाई क्रीम, कोरिएंडर जिसे हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे अपनी सब्जी को गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। हमने अपनी एक कढ़ाई रखी है गैस पर और इसे गर्म करने के लिए, ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और जब हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने सोया चाप को फ्राई करेंगे। हमारी सोया चाप फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अब हम इसे स्मॉल पार्ट में कट करेंगे ताकि हमारे जो भी मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे ही हम अपने सारे सोया चाप को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम उसी ऑयल में हींग ऐड कर रहे हैं, क्यूमिन, जीरा। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, जिंजर, और हम इसे गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। अब हम अपने ऑनियन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, कुक करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी टोमेटो प्यूरी को ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिए, टोमेटो प्यूरी ऐड किया हमने। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करें, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टर्मरिक, कस्तूरी मेथी एंड रेड चिली पाउडर, एंड हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। मटर ऐड कर रहे हैं, मलाई, 1 स्पून हमने इसमें क्रीम ऐड किया है, गरम मसाला। अब हम अपने मसाले को अच्छे तरीके से कुक करेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए, जब तक कि हमारा मसाला ऑयल को छोड़ना शुरू ना कर दे, तब तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा कोरिएंडर बचा के रखा है जिसे हम फाइनल टच में यूज़ करेंगे। अब हमारी सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर उस एक उबाल आने पर हम उसमें अपनी सोया चाप को ऐड करेंगे। मैंने अपनी रेसिपी में जो पानी ऐड किया है उसको उबाल कर ऐड किया है, और अब इसमें उबाल आना शुरू हो रहा है, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें अपनी सोया चाप ऐड करूँगी अपनी ग्रेवी में। अब हम सोया चाप को ऐड कर रहे हैं अपने मसाले में। हमने अपनी सोया चाप इस अपने मसाले में ऐड कर दिया और हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला और सोया चाप में अच्छे से मिल जाए। अब हमारी सोया चाप बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें सोया चाप मसाला ऐड कर रहे हैं। हमारी सोया चाप बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश कर रहे हैं अपने कोरिएंडर के साथ।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।